नमस्कार अम्बरीजनों, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल 11 तारीख है और 2024 CUT PG का एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज थी कि सर एग्ज़ाम होने जा रहा है, कुछ टिप्स बता दीजिए। और बेसिकली टिप्स में ये कि हम लोग अगर अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं या बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं तो क्या प्लानिंग है जो एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअली होनी चाहिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो कई सारे पॉइंट्स एज एक्सपीरियंस बेसिस पे कि आप बेहतर कर सको अपने एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टोटल क्वेश्चंस कितना है अपने पर्टिकुलर कोड में। जनरली जो अभी मैं आपको बता पाऊँगा हर एक कोर्स का लगभग मिला के वो है 75 क्वेश्चंस, क्योंकि अब 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड डाल दिया गया। ओनली आपके डोमेन से क्वेश्चन आना है, ठीक है, यानी 75 क्वेश्चन आना है। 75 क्वेश्चन में जो सिलेक्शन रेट परसेंटेज है, यानी जिसको हम लोग कटाह बोलते हैं, वो जनरली देखा गया है कि आप पूरे, सपोज कि अगर ये 100 क्वेश्चन होता तो 100 में आप अगर 70 प्लस में जा रहे हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। बस उसी तरीके से आप 75 में इसको 70% काउंट कर लो, यानी 75 का 70% जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उतना अगर सही करोगे तो आपको जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, चाहे BHU हो, DU हो, JNU हो, JMU, मतलब ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे आप जाना चाहते हो जो जनरली टॉप कॉलेजेस में आता है, आप वहाँ पे आराम से एडमिशन ले पाओगे। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि सर नेगेटिव मार्किंग भी है। अब इस बात को ध्यान से समझो, आपका जो क्वेश्चन मार्किंग है वो है ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, नेगेटिव है 1/4, यानी एक गलत करने पे एक कट जाएगा और सही करने पे 4 मिल जाएगा। तो आपको ये काउंट करना है ओवरऑल, जैसे आप देख रहे हो कि आप 70 में 55 क्रॉस कर रहे हो, सपोज 75 क्वेश्चन में 55 आप क्रॉस कर रहे हो, 55 आपने फर्स्ट, मतलब 1 से लेकर 75 तक आप गए और आप देख रहे हो कि आपने 55 क्वेश्चन सही कर लिया, क्योंकि स्क्रीन पे ना वहाँ पे अटेम्प्ट का क्वेश्चन का पूरा लिस्ट होती है कि 55 आपने कर लिया। अब 55 के बाद आप समझ जाओ कि आप ऑलरेडी सेफ जोन में हो। अगर आपने फर्स्ट राउंड में ही, फर्स्ट ओवरव्यू में ही, मतलब लगातार आप सॉल्व करते आ रहे हो, 75 तक पहुंच गए और आप ये देख रहे हो कि 55 आपका हो गया, तब आपको मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा करना है एज अ 50% प्रोबेबिलिटी पे। आप ऐसे क्वेश्चन को कभी मत छूना जिसमें एकदम आंसर नहीं आता है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन पर हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो जहाँ पे 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, यानी 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया है, 2 ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, तब वहाँ पे 50% का क्या प्रोबेबिलिटी लगा के कोई एक ट्रिक कर सकते हो। और ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड आपको ज़्यादा नहीं 5 से 7 क्वेश्चन पर ही यूज करना है, जिससे कि अगर मान लो आपने 8 किया है और आपका गलत हो जाता है तो आपके ज़्यादा नंबर ना कटे। विवाह समझे कि नहीं, ये बात। दूसरी चीज, आप अब तुक्का मारने की जहाँ तक बात आती है तो ये जनरली वही बच्चे मारे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है या जिन्होंने पढ़ाई बहुत कम की है, लास्ट में आके थोड़ा मोड़ा कर लिया। जो बच्चे बहुत सालों से मेहनत करके आ रहे हैं, मैं ऐसे बच्चों को तो प्रीफर नहीं करूँगा कि आप जाके वहाँ पे तुक्का मार के आओ। बेसिकली आप ऑलरेडी इतने बढ़िया से पढ़ के गए हो ना, आप देखो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, मैं ये हमेशा बोलूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल में खुद पे कॉन्फिडेंस बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ें उस समय आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ हो रही हैं वो चीज़ें सबके साथ हो रही होती हैं। लाइक जैसे पर्टिकुलर किसी कोर्स में बच्चा बैठा है, अब आपको अचानक से एंग्जाइटी फील हो रहा है, अरे यार क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा, तो आपको ऐसे में दिमाग में ध्यान रखना है कि ये फीलिंग बाकी बच्चों को भी आ रही होगी क्योंकि आपने तो पढ़ाई की है, तो आपका जो कट ऑफ बनना है ना वो हो सकता है कि लो मार्किंग में बन जाए। मेरा समझे कि नहीं, तो मैं आपको ये बार बार बोलना चाहूँगा कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी अचानक से फील होता है, उसके लिए एक लंबी सांस और थोड़ा सा पानी पी के आप दोबारा बैठ सकते हो और आप देखोगे कब रिकवरी कर लिए। और तब तक खुद को नहीं जज करना है जब तक आप एंड तक पहुंच नहीं जाते। स्टार्टिंग के 10-15-20 क्वेश्चन से आपने खुद को जज मत कर लेना कि अरे यार मेरे से क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, क्योंकि जनरली ये एक प्रेशर पड़ने लगता है। आपको 75 तक जाना है। जैसे आपने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन, सपोज कि स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पे जाओ, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ, पांचवें पे जाओ, मतलब कि आपको जो पहला इंड तक जाना होता है, 1 से 75 तक जो जाना है वो आपको एकदम फास्ट स्पीड से जाना है। मतलब जो आंसर देख, मतलब क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ रहा है, आप वैसे क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाओगे। तो ये जनरली देखा गया है कि जो आप फर्स्ट राउंड करते हो, यानी 1 से 75 तक जाते हो पहले राउंड में, इसमें मैक्सिमम आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है और ये आपके सबसे ज़्यादा सेफ स्कोर माने जाते हैं। सबसे सेफ स्कोर यही है। अब जो सेकंड राउंड आप आओगे, क्योंकि उसमें ओवरव्यू का भी ऑप्शन होता है, ओवरव्यू कर दो और फिर आप बैक आके फिर उस क्वेश्चन को आप प्रोबेबिलिटी लगाओ, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करो, 2 प्रोबेबिलिटी लगा के आप टिक मार दो,
तो इस तरीके का आप यूज कर सकते हो। अब मैं बता रहा था कि जो एकदम पढ़ के नहीं जा रहे उनके लिए तुक्का का मेथड क्या है। उनके लिए तुक्का का मेथड ये है कि सबसे पहले तो जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो माइंड में ये देखो कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या ख्याल आ रहा है, क्या किसी ऑप्शन पे आपका माइंड जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स को लेकर सिक्योरिटी बहुत पढ़ा जो बहुत पढ़ के गया होता है उसको भी नहीं रहता। जनरली वहाँ पे हम लोग अपना इंट्यूशन ही यूज करते हैं, कह रहे हाँ यार ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है, तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ तुक्का कभी भी बिना पढ़े मत मारो। मेरा मानना है कि तुक्का मारने के लिए भी आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो जरूर, क्योंकि माइंड हमारा इतने सालों से पढ़ाई करते आ रहा है ना, इतने दिनों से आप बुक्स पढ़ रहे हो, इतने दिनों से आप लोगों के बीच में बैठ रहे हो, कई बार क्वेश्चन पढ़ते ही ना वो ऑप्शन माइंड में क्लिक कर जाता है, यार तीसरा लग रहा है, आप ऐसे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो ध्यान देना कि आप अगर सेफ अपने पर्टिकुलर एग्जाम देने से पहले अपने कोर्स के कट ऑफ बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर लो कि हाँ आपके पर्टिकुलर कोर्स में कितने मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, और ये देखो कि आप फर्स्ट राउंड में क्या उसके इर्द गिर्द पहुँच गए हो। अगर उसके इर्द गिर्द पहुँच गए हो तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी हीट एंड ट्रायल के मेथड यूज नहीं करना है, बस 5 से 7 क्वेश्चन पे करना है। और ऑलरेडी अगर एकदम सेफ जोन में हो तो एकदम तुक्का मत मारो, बकायदा बस एग्जाम दो और बाहर आ जाओ। तो मैं आपको स्ट्रेस डाउन करने के 2 तरीके बताए, एक है लंबी सांसें लेना है और दूसरा आपको पानी पी लेना है, थोड़ा सा पानी पी लेना, ज़्यादा पानी मत पीना नहीं तो फिर टॉयलेट का भी इशू रहता है, ठीक है। और एग्ज़ाम जाने से पहले ही आप बकायदा फ्रेश होके जाना, चाहो तो थोड़ा सा पानी आँख पे मार लेना और बढ़िया से फेस फ्रेश होके और आराम से लंबी सांस होके फिर एग्ज़ाम देने शुरू करो। एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, एक आईडी कार्ड नहीं भूलना है, और साथ में कोई पेन ले जाना, अगर वो लोग जमा करा लेते हैं तो अंदर पेन आपको मिलेगा। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ मत ले जाना जहाँ पे आपको वहाँ पे ट्रेस कर लिया जाए या कोई फालतू का वो लोग आपको परेशान करें, ठीक है। आपके सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी होती है, हर बार देखा गया है कि सिस्टम बंद हो जाए, इमीडिएटली अपने इंसुलेटर को आप लोग इन्फॉर्म करना और वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एकदम तत्पर रहना। अगर लगता है कि नहीं वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो आप उसके लिए एकदम फ्री हो आवाज़ उठाने के लिए। अपने सेंटर पे कोई गड़बड़ी होता है उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाओ। इवन आप अगर मेरे वीडियो बना के अपना वीडियो भेजोगे कि हाँ मेरे यहाँ ये गड़बड़ी हो रहा है, स्क्रीन गायब हो गया था, क्वेश्चन गायब हो गया था, तो क्वेश्चन गलत था, ऐसी चीज़ें के लिए आप अगर वीडियो बना के मुझे देते हो तो मैं पक्का अपने चैनल पर दिखाऊंगा कि एनटीए इस तरीके से गलती कर रहा है, मनमानी कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। सो प्लीज़ आप सभी को एक अच्छी सी गुड विशेज है, स्माइल के साथ आप लोग जाएँ, खूब बढ़िया से अपना एग्ज़ाम दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम शानदार जाएगा, जो आपने मेहनत करी है उसके अनुसार आपको जो है वो सफलता मिले। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतने दिनों के मेहनत के बाद फाइनली आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, और ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और मुस्कुराते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महा।